मार्ग से दूसरे मार्ग में जाने के लिए इस सुरंग में इतने सारे मार्ग हैं। आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं। अगर वाकई इतने मार्ग हैं, तो किसी एक मार्ग से महल में घुसने के लिए वो लोमड़ी लालची कुत्ता यहीं कहीं घूमता होगा शायद। अब और फायदा नहीं है, उस ढोंगी स्वामी से मिलकर रहस्य जानना होगा। उसके बाद में हम उसको बता के और वो हमारे बारे में क्या सोचता है मालूम करना होगा। हाँ, जान लो, पहचान लो। अगर उसे गुस्सा आया तो लोमड़ी नागभूषण आम फट हो जाएगा और तेरे सिर के टुकड़े रुद्राक्ष में फंस कर फटास हो जाएंगे। मेरी मौत इतनी आसान नहीं, लेकिन आज मेरे हाथों इसकी मौत जरूर होगी। ऊपर जाने के वास्ते जब सीढ़ियों के पास आने वाले को सीढ़ियां दूर लगे, वैसे ही 25 सालों में मैं राजा महाराजा की तरह ऐश कर रहा था, तो अचानक मेरे सपने को तोड़ने वाला कोई आधमका, उसको मार कर अगर उसके शव को यहीं दफनाएंगे और पैसों के वास्ते ही राजू ने यह सब किया बोल के उसे कसूरवार साबित कर देंगे। नहीं गुरु, ये गलत होगा। 25 साल पहले जगपति जी को मारा था, वो पाप तुम्हारे साथ मुझे भी द्रोही का नाम देकर आज इस तरह ड्रेनेज में चला रहा है। आओ इस पाप की दुनिया को छोड़ दें। वो महान देवी है, उस देवी के पैर पकड़ कर क्षमा मांगते हैं। ऊपर मंदिर है ना, तुम अपनी ये देवी भक्ति वहीं जाकर दिखाओ, जाओ। देख, तुझे भगवान भी क्षमा नहीं करेगा, नाश होगा तेरा। छोड़ दो, मुझे मत मारो। इतने दिनों जीने की आशा खोकर मौत के लिए तड़पती रही मैं, लेकिन आज राजू मेरा ही खून है जानकर जीने की इच्छा जाग रही है मुझ में। वही मेरा सगा बेटा है जानते हुए भी, बेटा मैं तेरी सगी माँ हूँ कह के कभी पुकार नहीं सकी अपने लाल को, क्योंकि मेरा मुंह बंद करके रखा गया। चुप कर, तुम उसकी सगी माँ हो जाने बगैर ही उस राजू ने तुझे लाकर मेरे गले में फंदा डालकर उल्लू बनाया, और अब तुम माँ बेटे आपस में मिल जाओगे तो दोनों एक होकर मेरे दो टुकड़े कर डालोगे। नहीं। मत मारो मुझे। तुम भागोगे, मुझे पता था। हाँ भागूंगा तब। फिर से भागेगा ये भी मालूम है। हाँ, अब फिर भागूंगा। अब नहीं भाग पाओगे ये भी जानता हूँ। अब मैं भाग नहीं सकता। अरे लोमड़ी नागभूषण, बीपी बहुत ही भयंकर रोग है, वो मुझ में तेजी से घुस रही है। ये राजू अब मुझे जरूर मारेगा, क्योंकि मेरी ये बदकिस्मती है। गलती माफी के लायक तो नहीं है राजू, फिर भी माफी मांग रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने जगपति राजा को मारकर उनके वंश का सर्वनाश किया, उसके बाद उस कुर्सी पर बैठकर आज तक ऐशो आराम से राज किया। ये गलती माफी के लायक बिल्कुल नहीं, इसलिए आप मुझको अब भी माँ क्यों इतनी चिंता करती हो? बेटा, हमारी मौत का फरमान लिए एक और चंडाल आस लगा है हमारी ताक में बैठा हुआ है। मैं यम ही नहीं, यम का यमराज हूँ, तुम्हारा महायम हूँ। हे माते, राजमाते, तेरा पुत्र सब जान गया है, मैंने उसे ज्ञात मत होने को बोला था ना। मेरी माँ क्या बताएगी, जब तुमने महल में कदम रखा था मैं तभी बोला था कि तुम कौन हो,
उस क्षण से लेकर हर क्षण तुम पर निगाह रखे हुए था मैं। कौन क्या है, क्यों आया है वो, आखिर में किसको कौन क्या करने वाला है और किसके हाथों किसकी मौत लिखी हुई है, तुम्हें दिखाऊंगा मैं। ओम प्रेम प्रेम, ये तुम्हारी मृत्यु की लकीर है। तेरी मृत्यु की लकीर है, बाहर मत आना। इस राजू की हदों की लकीर खींचने वाला है तू? तुझे ऐसा मारूंगा कि इस फूलों की हद से बाहर पहुंच जाएगा। बेटा बेटा, मेरे पैर। माँ, देखा मानव, मेरी बनाई सीमा से आगे आने पर तुम्हारी माता की क्या दशा हुई है, इसी प्रकार तुम जितना आगे बढ़ते जाओगे तेरी माता का शरीर वैसा होता जाएगा। मरण रहे, वो रेखा तेरी माता की मृत्यु रेखा है। तू क्या लिखेगा मेरी मृत्यु रेखा? तेरी मृत्यु की रेखा मेरे बेटे के हाथों में बहुत पहले लिखी हुई है। इस जगत को बचाने वाला जगदेव वीर बनेगा वो, इसकी कुंडली में ही लिखा हुआ है। राजू, इस चंडाल राक्षस के टुकड़े टुकड़े करके उसके खून से मेरे पैरों को धोकर मुझे मुक्ति दो। जाओ बेटा। ठहरो, मृत्यु के तीन कदम आगे आने का फल क्या है, तू पीछे मुड़कर देख मानव। राजू, मेरे बारे में मत सोचो, वो राक्षस से संसार को हानि पहुंचाने ही आया है, उसका सर्वनाश कर दो, जाओ। मैं कैसे जाऊं माँ, अगर मेरा शरीर पत्थर का बन जाए तो एक मनुष्य की तरह मैं आगे बढ़कर उसका खून पी लेता, लेकिन अपनी माँ को पत्थर बनते देखूं, इतना बड़ा पत्थर दिल नहीं हूँ माँ। तेरी कमजोरी ही मेरी ताकत है, मेरी ताकत को हराने का धैर्य किसी में भी नहीं है और होगा भी नहीं। कल विजयदशमी है, संध्या के समय मेरा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। दुर्जय, प्रस्तुता राजू को रोक पाया, परंतु उसे विजयी होना इतना सुलभ नहीं, वो जगदेव वीर का रूप है। संध्या ढलने से पहले सौंदर्य पली का कार्यक्रम पूर्ण करो। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसी स्थिति में राजू माजी को छोड़ के नहीं आ सकता, पहले माजी को हमें किसी तरह बचाना होगा, और वो शक्ति सिर्फ तुम्हारे पास है। मेरे पास? हाँ दीदी, इस वक्त हमें अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, माजी और बलमा को बचाना है। आओ जल्दी करो, तुरंत वहाँ जाएंगे। कदापि नहीं, धरती पर चलने से तेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, तभी तो मैं तुम्हें अपने समीप बुला रहा हूँ। मानव, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ तुम्हें ज्ञात है, परंतु प्रस्तुता भूल गई हो देवी, ऐसी स्थिति मैंने ही तुम्हें प्रदान की है देवी, अब तुम्हें मैं कौन हूँ ज्ञात कराने का समय आ गया है। आओ बालिके, आओ 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 आओ। ज्ञात हो गया देवेंद्र पुत्रे, जिस देवालय में पूर्व ज्ञात नहीं तुम्हें, उसी देवालय में ही मैंने तुम्हें पूर्व का ज्ञात करवाया। क्यों जानती है? तुझे इसी क्षण उस देवी को बलि देकर तेरे रक्त से उस दिव्य खड़क को पवित्र करके इस ओम कुंड में भस्म करके नाश करके मैं अजय अमर हो जाऊंगा। मैं एक देव कन्या हूँ, इस विषय का ज्ञात नहीं है तुम्हें, मेरी बलि कोई नहीं चढ़ा सकता। यदि तुम देवलोक में होती तो, परंतु भूलोक में आने के पश्चात परलोक की शक्तियाँ समाप्त हो गई। शांत रहो, मेरे प्राणनाथ जगदेव वीर के हाथों तेरा सर धड़ से अलग करवाया था, एक बार ज्ञात करके देखो। जगदेव वीर क्या? देखो।